हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कंप्यूटर क्लास। आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर चैप्टर नंबर 4 कीबोर्ड। अब हम कंप्यूटर का चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। सो यू ऑल हैव टू ओपन योर कंप्यूटर बुक चैप्टर नंबर 4 कीबोर्ड एंड पेज नंबर इज 2424। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपको इंट्रोड्यूस करा देती हैं। किससे? अपने आप से नहीं, मेरा नेम तो आपको पता है। ये है कीबोर्ड, हम कीबोर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये होता है कीबोर्ड और ये होता है कंप्यूटर का ही पार्ट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये आपके पास यहाँ पे भी स्क्रीन पे बना हुआ है। अ कीबोर्ड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन अ कीबोर्ड। अलग अलग तरीके की, बहुत सारी डिफरेंट तरीके की कीज होती हैं कीबोर्ड में, जैसे कि आप सब देख सकते हो और मैम मैं आपको दिखा भी देती है। ये होती है बच्चे कीज, ये कीबोर्ड है, इसके ऊपर ये काफ़ी सारी कीज है, आपको दिख रही है, ये कीज है, इन्हें कहते हैं कीज। जो इन आपको ये बटन दिख रहे हैं इन्हें बोला जाता है कीज। ठीक है, वी नीड अ कीबोर्ड टू टाइप एनीथिंग ऑन अ कंप्यूटर। हमें कीबोर्ड क्यों जरूरत होती है? कुछ भी कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए। हम अगर ऐसे कुछ भी टाइप करेंगे तो वो कंप्यूटर पे टाइप हो जाएगा। There are total 104 keys on a keyboard. आप कहोगे मैम इतनी तो दिख भी नहीं रही है। आप कीबोर्ड लो, काउंट करो, टोटल कीज कितनी होती है? 104. Alphabet keys. There are 26 alphabet keys on a keyboard. ये आपको जो अल्फाबेट कीज दिख रही हैं, ये होती हैं बच्चे 26. जो ये अल्फाबेट कीज है ना, ए से लेकर जेड तक, ये आपको अगर ये दिख रही हो तो ये होती हैं 26, ये वाली। ये जो इतनी कीज है ये है 26 और ये है अल्फाबेट कीज, जिसमें ए टू जेड नंबर्स अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। दे आर यूज टू टाइप लेटर्स एंड सेंटेंसेस। ये यूज करी जाती है लेटर्स लिखने के लिए या फिर सेंटेंसेस लिखने के लिए। नेक्स्ट कम नंबर कीज। अब नंबर कीज क्या होती हैं? ये होती हैं आपकी नंबर कीज, 1 से लेकर 9 तक आपके पास नंबर्स हैं और ये आपका 0 भी है। ये होती हैं बच्चे नंबर कीज। द स्पेशल कीज व्हिच आर यूज्ड ऑन द कीबोर्ड आर नंबर कीज। जो स्पेशल कीज यूज करी जाती है कुछ भी नंबर लिखने के लिए, वो होती है हमारी नंबर कीज। नेक्स्ट कम स्पेशल कीज। अब स्पेशल कीज क्या होती हैं? द स्पेशल कीज व्हिच आर यूज्ड ऑन द कीबोर्ड आर, स्पेशली जो कीज यूज करी जाती हैं कीबोर्ड पे वो कौन सी होती हैं? स्पेस बार की। सबसे पहले की कौन सी है? स्पेस बार की। अब वो कौन सी होती है? इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। आपको ढूंढो इस कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी है? ये रही, ये लास्ट में बच्चे सबसे लॉन्गेस्ट की, ये होती है स्पेस बार की। ये आप देख सकते हो, ये कीबोर्ड है, ये सबसे बड़ी की है, ये है स्पेस बार की, इसे हम स्पेस देते हैं। It is the longest key on the keyboard. ये सबसे longest key होती है। It is used to add blank spaces between words, letters or numbers. Like मैम ने लिखा S, T. अब S और T के बीच में थोड़े gap देना है, तो हम space bar key दबाते हैं, तो उससे थोड़ा gap आ जाता है उन दो letters के बीच में। ठीक है? Understand? Next come enter key. अब enter key क्या होती है? अब कम स्पेस बार की आपने देख ली। नेक्स्ट कम्स एंटर की। द इट इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिटर्न की। इसे रिटर्न की भी कहा जाता है। और ये नेक्स्ट क्या करता है, इसका काम क्या है? ये होती है बच्चे एंटर की। ये कौन सी कीज होती है? एंटर कीज। इसका काम होता है कि अगर आपने एक लाइन फिनिश करी, उसके बाद आपने अगर एंटर दबाया, एंटर क्लिक करा, तो वो कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। ठीक है, इसे रिटर्न की भी कहते हैं। नेक्स्ट इज बैक स्पेस की। अब बैक स्पेस की का क्या काम है? ये होती है आपकी बैक स्पेस की। इसमें ऑलरेडी लिखा होता है बैक स्पेस, ये जहाँ आपके ऊपर नंबर्स होते हैं उसके साइड में होता है बैक स्पेस की, इसमें लिखा भी होता है बैक स्पेस। अब इसका वर्क क्या है? इट इरेजेस द कैरेक्टर्स वन बाय वन टू द लेफ्ट। इट वर्क्स लाइक एन इरेजर ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन पे एक इरेजर का काम करता है। लाइक अगर मैं आपको बैक स्पेस दिखाऊं तो मैं आपको स्क्रीन पे भी बैक स्पेस दिखा सकती हूँ। अभी मैम ने जूम करा हुआ है,
ये बच्चे बैक का एरो है, ये बैक स्पेस का काम करता है। बैक स्पेस मीन्स जो मैंने लास्ट स्टेप करा ये उसको रिमूव कर देगा। लास्ट में आपने जूम करा, अब बैक करेंगे मैम तो ये देखो ये जूम बंद हो गया ना, ऐसे ऐसे हो तो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये काम करता है बैक स्पेस का। बैक स्पेस का काम ही क्या होता है, जो हमने करा है सपोज हमने स्टडी लिखना है STUDY और हमने स्पेलिंग लिख दी STUDI, आई लिख दिया। अब हमें आई को इरेज करना है, हम बैक स्पेस का बटन दबाएंगे वो आई रिमूव हो जाएगा, फिर आप वहां पे वाई लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट कम कैप्स लॉक की। अब आती है कैप्स लॉक की, इसका काम क्या है, इट राइट्स अल्फाबेट्स इन अपर केस। कैप्स लॉक से होता है लाइक व्हाट्सएप यूज आप सब करते हो, अगर आपने व्हाट्सएप का कीबोर्ड हो, अगर आपको कोई लेटर कैपिटल से स्टार्ट करना तो आप एरो दबाते हो वहां पे एरो आता है। और इसमें क्या होता है, कंप्यूटर में कोई एरो नहीं होता, कंप्यूटर में कीज होती हैं कैप्स लॉक की। अगर आप ये लेफ्ट साइड में लास्ट थर्ड की खोलो कैप्स लॉक की, अगर आप कैप्स लॉक, अगर आपने सपोज लिखना है आई एम अ गर्ल का आई जो है वो बड़ा होना चाहिए, तो आप कैप्स लॉक ऑन करोगे, फिर आई लिखोगे, फिर कैप्स लॉक अपने आप कैप्स लॉक ऑफ करोगे, फिर क्या आएगा आई एम अ गर्ल। बाकी सारा सेंटेंस किस में लिखा जाएगा, शॉर्ट लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में। ठीक है। वंस कैप लॉक की इज प्रेस, एक बार आपने कैप्स लॉक की प्रेस कर दी, द कैप्स लॉक लाइट टर्न्स ऑन, कैप्स लॉक की लाइट टर्न ऑन हो जाती है। क्लियर। नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 26, फंक्शन कीज। अब फंक्शन कीज कौन सी होती हैं, दीज आर द कीज यूज्ड फॉर स्पेशल टाइप्स ऑफ जॉब्स। ये अलग बहुत स्पेशल टाइप्स ऑफ जॉब्स जो होती है ना, ये उनके लिए यूज करी जाती हैं। दीज आर फ्रॉम F1 टू F12, ये कीज होती हैं F1 से F12 तक। ये आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे सबसे ऊपर जो कीज है ना ये सारी है F1 से लेकर F12 तक। आप काम कर लेना बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है F1, F2, F3। आप इसमें भी देख सकते हो ये जो कीज है ना, इन पे लिखा है F1, F2 या till F12, it is written। ठीक है, ये एक स्पेशल कीज होती है। चैप्टर इज फिनिश, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे अब आप देख सकते हो बुक वर्क गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स, टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो फिल इन द ब्लैंक्स है टिक द करेक्ट है, MCQs ये आपको करना है बुक में, ये बुक वर्क है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ये आपको करना है अपनी नोटबुक में, मैम असाइनमेंट आपको सेंड कर देंगी। यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क एंड इन नाइस हैंडराइटिंग। ठीक है, ओके, बाय बाय, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, थैंक यू।